सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, बात चल रही है डिस्प्यूट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, भाई इसी का ही माहौल बना हुआ है अभी। यही रीजन था बच्चों कि मैंने वीडियो बनाई और आपके सारे डाउट्स जितने मैं सॉल्व कर सकता था मैंने उस वीडियो में सॉल्व करे। बट हमें मिला क्या भाई? बम्पर डाउट्स। तभी मैं आप लोगों को बोल के चलता हूं कि सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो। जब आप लोग हमसे जुड़ जाते हैं ना, तो चाहे एक एक डाउट सॉल्व करवाना हो हम आएंगे। तभी बच्चों हम बोलते हैं योर कमेंट्स माय आंसर्स। तुम कमेंट करो और हमसे जुड़ जाओ, आंसर्स हम देके चलेंगे। तो बच्चों जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि ये जो इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, इस सारी चीजों से रिलेटेड डिस्प्यूट, रिड्रेसल जो चल रहा है आजकल, एक टॉपिक बहुत कंफ्यूजन आ रही है बच्चों को। मेरे वीडियो बनाने के बावजूद मैं देख रहा था और अभी भी देख रहा हूं 250-300 डाउट्स आए हैं मेरे वीडियो बनाने के बाद। और इसमें एक डाउट तो वही आते हैं जो उनसे भैया वीडियो में बता दिए जाते हैं। तो बच्चों थोड़ी सी वीडियो लंबी रहती है, एंड तक देख लिया करो। 24 घंटे में से सिर्फ 2-3 मिनट नहीं दे सकते जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक्स है ना, ये बड़े सॉफ्ट टॉपिक्स हैं। ये आपको आपके मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं, और एक गलती अगर आपने करी, मेरी बात ढंग से नहीं सुनी, तो आपके मार्क्स गिरा भी सकते हैं। तो प्रॉमिस करो कि भैया अब मुझे डाउट्स थोड़े से कम चाहिए, क्योंकि मैं जितने डाउट्स कवर करवा चुका हूं, मैं करवाऊंगा मैं आप लोगों के सारे डाउट्स कवर। बट इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, एक एक बच्चे का इस वीडियो में डाउट लिया जाएगा। तो बच्चों सारे डाउट्स लेना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो में मैं लेके चलूंगा डिस्प्यूट्स वाले डाउट। सर बात करें इंप्रूवमेंट वाले से रिलेटेड, सर इतनी क्वेरीज हैं, उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बता के चलूंगा। ठीक है, तो वन बाय वन लेते हैं। पहला डाउट है सोनी म्यूजिक का, कहते हैं सर स्कूल बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी तक कोई लेटर नहीं आए, हम क्या बोल रहे हैं? भैया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, CBSE वालों ने स्कूल को ऑफिशियल लेटर भेजा हुआ है। आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया था, और पिछले वीडियो के लिंक में जाके देख लो, ऑफिशियल CBSE जिसमें सेक्रेटरी का साइन हो रखा है यार, वो स्कूल वालों के पास पहुंच गया। तो ऐसी बातें स्कूल वालों की बिलीव मत करो, उनके पास लेटर है। एक एक चीज डिस्प्यूट वाली चीज जो मैंने आपको पिछली वीडियो समझाई थी, और अगर अभी तक आपने डिस्प्यूट वाली चीज नहीं समझी, पिछले वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, समझ के आओ, बहुत बढ़िया चीज है। बिना एग्जाम दिए आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, तो प्लीज जरूर देख लेना। लेते हैं अपना नेक्स्ट डाउट। कहता सर प्रिंसिपल बोल रहा है कि अगर ये डिस्प्यूट वाली चीज में आप घुसते हो तो पहले आपका हम इंटरव्यू लेंगे, पहले पूरा रिव्यू करेंगे, उसके बाद अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो वहां पे भेजेंगे। बच्चों मुझे एक चीज बता के चलो यार, तुम लोग किसके स्टूडेंट हो यार? तुम लोग शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के स्टूडेंट हो, क्यों घबराते हो इंटरव्यू से? लेने दो ना उनको इंटरव्यू, क्या हो जाएगा? मेरे को एक चीज बता के चलो, जो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अगर आप नए जुड़े हो, तो मैं आपको एक चीज बता के चलूं कि शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल हम अकाउंट्स की हाई लेवल टीचिंग प्रोवाइड करके चलते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो भाई प्लेलिस्ट में +1, +2, बीकॉम, एमबीए सबके लिए अकाउंटिंग के चैप्टर्स हमने डाले हैं, और समझाते बच्चों से रिव्यू ले लेना जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं अपने मुंह से नहीं निकालूंगा। तो बच्चों प्रिंसिपल अगर बोल रहा है कि इंटरव्यू लेके आपका डिस्प्यूट वाली चीज हम आगे सोचेंगे, तो दे दो ना यार, डर क्यों रहे हो? शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वाली फैमिली से मैं बात कर रहा हूं, जो सी मेरे से जुड़ी हुई है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और जो और लोग हमसे जुड़ेंगे, डरने वाली बात नहीं है। हमने एक एक चीज आपको अच्छे से समझाई हुई है, सो यू कैन गो फॉर द इंटरव्यूज, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है सर अगर स्कूल हमारी डिस्प्यूट की एप्लीकेशन CBSE तक नहीं पहुंचा रहा तो हम क्या करें? बच्चों ऐसे वाली चीज़ तो होती नहीं है, स्कूल वाले भी सारी चीज़ें रिव्यू करके चलेंगे। अगर आप एक्चुअली में डिजर्व करते हैं मार्क्स, स्कूल वालों को लगता है, रिजल्ट कमेटी वालों को लगता है कि हाँ यार इस बच्चे को एक्चुअली में मार्क्स मिलने चाहिए, तो वो आपकी आगे कॉपी एप्लीकेशन जो है वो CBSE वालों तक पहुंचाएंगे कि यार सर इसके ना मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए। तो इस चीज की वरी में मत पड़ो यार, स्कूल है वो ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चे नहीं है वो, ठीक है ना। तो आगे करते हैं, कहता सर अगर मैंने डिस्प्यूट एप्लीकेशन दे दी नंबर इंक्रीज के लिए, अगर मार्क्स नहीं बढ़े तो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो, अगर डिस्प्यूट मैंने कर दिया, डिस्प्यूट एप्लीकेशन भर दी, ठीक है, उसमें मेरे मार्क्स नहीं बढ़े, तो क्या मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते इंप्रूवमेंट? अगर डिस्प्यूट इज अ टाइप ऑफ अ सेकंड ऑप्शन कि यार एक बार ट्राई करके देख लो ना, अगर मार्क्स नहीं बढ़े इंप्रूवमेंट तो भर ही दो। उसका शायद पोर्टल अभी के हिसाब से, ये वीडियो आप लोगों को कल आएगा, बट अभी के हिसाब से तो CBSE वालों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का पोर्टल नहीं खोला, जैसे ही खोलेंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम भर देना, ठीक है ना। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का यही आंसर दूंगा, डिस्प्यूट में मार्क्स नहीं बढ़े इंप्रूवमेंट, अगर तुम लोगों को पता है कि हाँ यार मेरे मार्क्स बढ़ेंगे तो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स जरूर दे देना, ठीक है ना। तो आकांक्षा सिंह का मैंने जवाब दे दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा डाउट है, कहता ऋचा यादव, कहती सर अगर डिस्प्यूट से मार्क्स इंक्रीज हो गए और री एग्जाम से मार्क्स डिक्रीज, तो क्योंकि स्कूल ने बोला है, CBSE ने बोला है कि डिस्प्यूट रिजल्ट का वेट ना करें और ऑप्शनल फॉर्म, ये बोल के चल रहे हैं कि डिस्प्यूट के मार्क्स इंक्रीज हो गए। मुझे एक चीज़ बता के चलो बच्चों,
कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस। यार शुद्ध देसी कॉमर्स कम्युनिटी के बच्चे हो यार, कैसी बातें करते हो। अगर डिस्प्यूट में तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, 85 मार्क्स आए थे डिस्प्यूट का फॉर्म भरा, 95-96 हो गए, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए क्यों जाओगे। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करो यार तुम लोग। क्यों रिस्क लोगे? नहीं लेना है रिस्क। अगर डिस्प्यूट में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट के लिए मत जाना। क्या पता भैया कैसे लोअर लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, कुछ भी नहीं पता होगा। हाँ, अगर डिस्प्यूट में मार्क्स हल्के से इंक्रीज हुए हैं और मन में कॉन्फिडेंट है, यस आई कैन स्कोर बेटर मार्क्स, हिम्मत रखते हो, जाओ इंप्रूवमेंट के लिए, पोर्टल खुल रहा है CBSE वालों का, कर दो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझिए मेरी बात को, कि ये जो डिस्प्यूट वाली चीज दी है, मैं सच्चाई बोलूं तुम लोगों को, जाने दो, जो मेरे को हेट करता है करने दो, CBSE वाले हेट करेंगे करने दो, ये CBSE वालों ने ना मन रखने के लिए दिया है। क्योंकि बहुत से बच्चों के मैं चीज देख रहा हूँ, डाउट्स आप लोगों के लेता हूँ, बहुत से बच्चों की मैं चीज देख रहा हूँ, सर स्कूल वाले ना ये डिस्प्यूट वाला जो एप्लीकेशन है, सर ये ना कह रहे हैं कि नहीं 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 स्कूल वाले सीरियस नहीं ले रहे। मैं बताऊँ क्यों नहीं ले रहे? स्कूल वाले अपने सिर पर टेंशन नहीं डालना चाहते। इतने मैसेजेस मुझे आए हैं, सर आपकी वीडियो देख के हम स्कूल गए, स्कूल वाले सरप्राइज हो गए कि इस बच्चे को इतनी नॉलेज कैसे होगी डिस्प्यूट के बारे में। बट स्कूल वाले सर कह रहे हैं कि नहीं 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 ये चीज़ रहने दो, स्कूल वाले ये चाह रहे हैं कि तुम इम्प्रूवमेंट एग्जाम लो ताकि उनके सिर पे टेंशन ना। तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए ज़रूर जाएं, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि यस सर आई डिजर्व मोर मार्क्स जितने मुझे मार्क्स मिले। और एक और डाउट आ रहा है कि कंपार्टमेंट वाले, सुन लो यार प्लीज़, एक और डाउट आ रहा है कि कंपार्टमेंट वाले जो हैं वो हमारे डिस्प्यूट वाली जो ये चीज़ आई उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे आपके डिस्प्यूट से रिलेटेड डाउट। एक एक डाउट सॉल्व नहीं करवा सकता था तो मैंने मोटे मोटे डाउट्स पकड़ लिए। आई होप आपके डिस्प्यूट से रिलेटेड डाउट सारे सॉल्व हो गए हैं। बात करें सर इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड इतने डाउट आ रहे हैं, सर कंपार्टमेंट वाले बच्चों के इतने डाउट्स आ रहे हैं, बच्चों वो ये वीडियो लंबी हो जाएगी ना, अभी डिस्प्यूट वालों को अलग रखते हैं, इंप्रूवमेंट वालों के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो इसी पे। तो बच्चों बने रहिए। और सर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बच्चों मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगा, डिस्प्यूट वाले पंगे में पढ़ लो। बट अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं तो एग्जाम दूंगा भाई, मेरे को तो और मार्क्स चाहिए, तो बच्चों इंप्रूवमेंट वाली चीज, इंप्रूवमेंट एग्जाम वाली चीज मत छोड़ना, इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले दे के ही आना अगर लगता है कि आप स्कोर अच्छा कर सकते हो वहां तो। तो ठीक है बच्चों, ये थी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। इधर उधर गूगल पे सर्च मत मारो यार, इधर उधर मत जाओ भाई, हंसी आ रही है भाई लोगों को देख के क्या क्या समझा रहे हैं वो बच्चों को। बट बच्चों अपने दिमाग से सारे डिसीजन लेके चलो, पेरेंट्स के साथ, अपने गार्जियन टीचर्स के साथ, मेरे साथ, जिससे भी आपको डिस्कस करना है तो आप डिस्कस करके चल सकते हैं। तो इसमें यही बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू डिस्कस मोर, तो बच्चों एक ज्वाइन बटन बना आ रहा होगा आप लोगों के लिए, ये ज्वाइन करके आप पर्सनली मुझसे बात करके चल सकते हैं। कोई भी आपका मैसेज है, आपको चाहते हैं कि सर से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्वाइन बटन दबाइए और मेरे को मैसेज सेंड करें, सर आई हैव बिकम योर मेंबर, आई हैव बिकम द मेंबर ऑफ शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल। उसी टाइम फटाफट हम आपके लिए रिप्लाई करके चलेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत बच्चे हैं रिप्लाई करने वाले। आई डोंट नो, व्हाट्सएप पे बहुत बच्चे आ रहे हैं रिप्लाई करने वाले, इंस्टाग्राम कमेंट्स पे बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो एक बार आप मेंबर बन जाइए, उसके बाद मेरे लिए भी इजी होगा आपको फटाफट रिप्लाई देना। तो ठीक है बच्चों, और अपडेट्स के लिए शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। एंड सर पढ़ाई की भी बात करा करो बच्चों, क्लास 11, 12, बीकॉम, एमबीए सबके लिए लेक्चर्स चल रहे हैं और बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, बहुत ऑसम लेक्चर्स हैं, प्लीज़ एक बार पढ़ लेना, कोई भी टॉपिक हो अकाउंट्स का करवा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर आपको पसंद आया और आपके और भी डाउट्स हैं तो और डाउट्स कर देना, दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो बेचारे इस समय डिस्प्यूट के डाउट्स लेके बैठे हैं, और सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाना। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट एग्जाम्स और कंपार्टमेंट एग्जाम्स वाले डाउट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।